ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको नवाबों के शहर हैदराबाद में, जहां इनकलाबी शायर मेहमान नवाज शख्सियत आरिफ सैफी साहब ने 25 जनवरी 2020 को अपने दौलत कदे खुशी रेसिडेंसी मारतांडा नगर न्यू हाफिज पेट हैदराबाद में यौम जम्हूरिया के मौके पर बज़्मे सैफी के ज़ेरे एहतमाम 20वें ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद किया। सदरे मुशायरा रहे गुलाम नबी साहब। मुशायरा कमेटी में शमशाद अली, मुन्ना भाई, शेख मुस्तफ़ा, निज़ामुद्दीन सैफी, वहीद सैफी और वाजिद सैफी के नाम सारे फहरिस्त हैं। आइए देखते हैं मुशायरे का ये वीडियो। हमें आज की रात गजल के बहुत सारे अलग अलग जायकों का मजा लेना है। शायर कहता है, इसी से जान गया मैं कि बख्त ढलने लगे, इसी से जान गया मैं कि बख्त ढलने लगे, मैं थक के छांव में बैठा तो पेड़ चलने लगे, इसी से जान गया मैं कि बख्त ढलने। अब शेर सुनाता हूँ। यहाँ बैठे बहुत सारे किरदार आपके सामने होंगे और आपका अपना किरदार आपके सामने होगा, आपके साथ जो हुआ होगा वो भी आपके सामने अगले शेर में आ जाएगा। और गजल का जादू यही है कि शायर यहाँ से बयान करता है, लेकिन सुनने वाला शख्स अपनी जिंदगी की कहानी महसूस करता है। आरिफ भाई से तवज्जा चाहूंगा, आरिफ सैफी साहब से, कि इसी से जान गया मैं कि बख्त ढलने लगे, मैं थक के छांव में बैठा तो पेड़ चलने लगे, जो दे रहा था सहारे तो एक हुजूम में था, जो दे रहा था सहारे तो एक हुजूम में था, जो गिर पड़ा तो सभी रास्ता बदलने लगे, जो दे रहा था सहारे तो एक हुजूम में था, जो दे रहा था सहारे तो एक हुजूम में था, जो गिर पड़ा तो सभी रास्ता बदलने लगे, जो गिर पड़ा तो सभी रास्ता बदलने लगे। दोस्तों, इस वक्त मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरम बासित अली रईस साहब, जो हमारी इस महफिल के, हमारे इस बज़्मे सैफी के मुशायरों में, हर मुशायरों में वो शरीक होते हैं और आपकी बारहा मोहब्बतें लेकर लौटते हैं, लेकिन इस मरतबा भी मैं इस उम्मीद पर इन्हें पेश कर रहा हूँ कि आपकी भरपूर मोहब्बतें इनके दामन में पड़ जाएं। जोरदार तालियों से मोहतरम बासित अली रईस साहब का इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। आइए, इस गजल से पहले आजकल जो देश का माहौल है उस पे कलाम पेश कर रहा हूँ, बिल्कुल ताजा, पहली बार यहाँ पढ़ रहा हूँ। देखें मतलब समाज फरमाएं। हर तरफ मुल्क में जो रैली है, पेश करो। देखे ऐश करते हैं जो मिनिस्टर है, ऐश करते हैं जो, ऐश करते हैं जो मिनिस्टर है, और जनता की जेब खाली है। अरे वाह 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 वाह। और जनता की जेब खाली का राज है हर सू। अब
गुंडों का राज है, अब तो गुंडों का राज है, हर सू हर मिनिस्टर यहाँ मवाली है, हर मिनिस्टर यहाँ मवाली है। ये भी शेर निकल निकल बाबा, जाने गुलशन का हाल क्या होगा, जाने गुलशन का हाल, जाने गुलशन का हाल क्या होगा, जाने गुलशन का हाल क्या होगा, क्योंकि दुश्मन चमन का क्योंकि दुश्मन चमन का माली है। मैं सब इशारे कर रहा हूं, आप लोग पहुंच जाएंगे। जाएंगे जी, 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 जी। लूट कर भोली भाली जनता को, लूट लूट कर भोली भाली जनता को, उसने दौलत बहुत कमा, उसने दौलत बहुत कमा ली है। हिंदू मुस्लिम के सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम के सिख ईसाई, एक गुलशन के सब ये ये माली है। ये भी इशारा देखिए, मख्ता पेश कर रहा हूं। करके नाफिज़े वो सीए कुरई, करके नाफिज़े वो सीए, करके नाफिज़े वो सीए कुरई, हमको बेघर वो घर जो कफीले अयाल होता है, 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 शख्स वो बेमिसाल होता है, शख्स वो बेमिसाल होता है। शेर पेश कर रहा हूं, देखिए। जो अना के उरूज पर, जो अना के उरूज पर पहुंचे, उसका फौरन जवाल होता है, उसका फौरन जवाल होता है। आखिरी शेर से लगा पेश कर रहा हूं। बतौर खास समाज फरमाए, आरिफ भाई 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 भाई, दर्द देना कोई कमाल नहीं, दर्द देना कोई कमाल नहीं, दर्द देना कोई कमाल नहीं, दर्द सहना या
गजल का मतलब जब किसी पेड़ के हाथों में समर आता है, किसी पेड़ के हाथों जब किसी पेड़ के हाथों में समर आता है, जब किसी पेड़ के हाथों में समर आता है, तोड़ने के लिए पत्थर भी उधर आता है। बहुत अच्छा बदला है बाबा। तोड़ने के लिए पत्थर भी उधर आता है, जब किसी पेड़ के हाथों में समर आता है, आज के दौर में राहत उसे होती है नसीब, आज के दौर में राहत उसे होती है नसीब, धोखा देने का यहाँ जिसको हुनर जिसको आता है। और ये कहावत हमें नजर क्या देखिए, है कहावत उसे भूला नहीं कहते यारो, है कहावत उसे भूला नहीं कहते यारो, सुबह का भूला अगर शाम को बहुत बहुत शुक्रिया। मुकर रहे है कहावत उसे भूला नहीं कहते यारो, है कहावत उसे भूला नहीं कहते यारो, सुबह का भूला अगर शाम को घर सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है। जिसे मिलता है बना लेता है उसको अपना, जिसे से मिलता है बना लेता है उसको अपना, शायद उस शख्स को कुछ इल्म जफर आता है, उस शख्स को कुछ इल्म जफर आता है। आखिरी दूसरे पेश कर रहा हूं, गर दुआ मांगो तो इखलास से दिल से मांगो, दिल से मांगो तब कहीं जाके दुआओं में असर आता है, कहीं जाके दुआओं में असर आता है। मुक्ता में अपना दुख दर्द भला किसको सुनाएगा रही, दर्द भला अपना दुख दर्द भला किसको सुनाएगा रही, जो भी मिलता है वो खुशहाल नजर आता, जो भी मिलता है वो खुशहाल नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। पेश करता हूं, आइए अब।